अरे तुम अभी से रोने लगी? अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। अपने ये बेशकीमती आंसू संभाल कर रखो, बहुत मौके दूंगी मैं तुम्हें ने बहाने के लिए, बहुत मौके दूंगी। निहारिका दीदी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? अरे जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप क्यों नहीं समझते। हम आपका और रुद्र भैया का कभी बुरा नहीं चाह सकते। बहुत भोली हो ना तुम, बहुत मासूम हो ना तुम, बहुत अच्छी हो ना, बहुत दूध की धुली हो। तो जाओ ना, जाओ मेरे मेरे रुद्र को जेल से छुड़ा कर लाओ ना, वापस लाओ ना उसे अर्पिता, वापस लाओ मेरे रुद्र को, मेरी खुशियां बर्बाद होने से बचाओ। अरे तुम नहीं बचा सकती तो तुम्हें भी कोई हक नहीं है खुश रहने का। डर निहारिका, कम से कम भगवान से तो डर। इस मासूम को इतनी बददुआएं मत दे, ये तो सोच के मां बनने वाली है। गुस्से में इतनी अंधी हो चुकी है कि सब कुछ जलाकर राख कर देगी। वाह तिथि मां, वाह, बहुत चिंता आपको इस मासूम के दुख की। मां बनने वाली है ना ये, और आप ये भूल गए कि मैं भी मां बनने वाली हूं। सच कहूं तो आज रुद्र की हालत की जिम्मेदार आप भी। बहुत चिंता हो रही थी ना आपको, इसकी बहुत चिंता हो रही थी, इसीलिए मेरे मना करने के बावजूद भेज दिया आपने रुद्र को इस मनोज को बचाने के लिए। नहीं निहारिका पुत्र, अपने मुंह से ऐसी कड़वी बात तो मत बोल। बस इतनी मामी, मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए आप। मेरा रुद्र क्या किया है सर से आप सब के लिए, मैं और मेरा दुख भी पराया हो गया। आप सबकी सगी है तो बस ये भरोस। निहारिका, इस घर में अचानक अचानक ऐसे दुख के गहरे बादल छा गए, और इस सब की वजह, इस सब की वजह हम ही तो हैं। आज तितली मामी की आंखों में आंसू हमारी वजह, निहारिका दीदी के दुख की वजह, वो भी हम। हे भगवान, हमने तो हमेशा सबका सबका भला चाहा, सबकी खुशियां चाहा, पर ये क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? अब हम करें तो क्या करें? था हमारी खुशियां यूं जलकर राख हो जाएंगी।
तक सोई नहीं, तुम्हें आराम करना चाहिए ना। इस वक्त तुम यहां क्या कर रही है? ऐसा ही खालीपन मेरी जिंदगी में भी तो आ गया, और मेरी जिंदगी के इस खालीपन का जिम्मेदार कौन ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। अरे, मैं वकील से मिलने गया था, लेकिन तुम्हारी शक्ल देखकर साफ पता चल रहा है कि उन्होंने भी कोई खास उम्मीद नहीं जताई। साफ साफ क्यों नहीं कहते तित्र कि खबर अच्छी नहीं? मेरा अंदाजा सही है ना? देखो नहरिका, तुम चिंता मत करो। चिंता मत करो निहारिका, डोंट वरी निहारिका। मेरा पति जेल की सलाखों के पीछे कैद, जो देखो मुझसे आकर ये कहता है कि डोंट वरी निहारिका, चिंता मत करो, ठीक है ध्रुव? मैं चिंता नहीं करती, मैं बिल्कुल चिंता नहीं करती। तुम मेरे रुद्र को वापस ला दो, वापस ले आओ ना मेरे रुद्र को, वापस ले आओ, मैं बिल्कुल चिंता नहीं करूंगी। अरे तुम्हारी पत्नी को बचाते बचाते आज मेरी पति की ये हालत है, तुम्हारी पत्नी की वजह से आज वो एक खूनी की हालत। तुम्हारा फर्ज बनता है, तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम मेरे रुद्र को छुड़ा कर ला। मेरी सारी दुख और तकलीफ की जड़ तुम्हारी पत्नी अर्पिता है। प्लीज निहारिका, बेचारी अर्पिता पर बेबुनियाद इल्जाम मत लगा। बेचारी अर्पिता, बहुत फिक्र है अर्पिता की। अगर अर्पिता उस दिन मंदिर नहीं जाती तो क्या रुद्र उसे बचाने जाता और आज इस तरह खूनी बनकर जेल के पीछे झाड़ रहा होता? अर्पिता पे इल्जाम मत, तो चाहे मानो या ना मानो, मेरी सारी दुख और सारी तकलीफों की जड़ तुम्हारी अर्पिता है। देखो अर्पिता, तुम निहारिका की बातों का बुरा मत मानना। उस बेचारी को तो पता ही नहीं कि वो किससे क्या कह रही है। नहीं ध्रुव जी, हमें बुरा नहीं लग रहा है, पर जो कुछ भी हुआ उसके उसके दोषी तो हम है ना। और निहारिका दीदी ने जो कुछ भी कहा ठीक ही कहा, ना हम मंदिर जाते और ना रुद्र भैया हमें वहां बचाने आते। और ना ही ये सब होता। आज वो सलाखों के पीछे तो हमारी वजह से ना। निहारिका दीदी का दुख, उनका अकेलापन, उसकी वजह भी तो हम ही है ना। रुक जी, हम अपने आप को समझाने की लाख कोशिश करें, पर अपने आप को माफ नहीं कर पाए। देखो अर्पिता, जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। हम तो ये सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि निहारिका दीदी किस दुख से गुजर रही है, और कहीं ये सब उनके बच्चे पर असर ना करे। आप हमसे वादा कीजिए कि आप रुद्र भैया को वापस ले आएंगे। प्लीज
ले आएंगे ना, ले आएंगे ना त्रिभुज। आपने आपने हाथ हाथ क्यों हटा लिया त्रिभुज? बोलिए ना ध्रुव जी, फिर त्रिपैया को वापस नहीं लाएंगे। अर्पिता, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। रुद्र भैया पर खून का इल्जाम, और अगर वो इल्जाम साबित हो जाएगा तो हम रुद्र भैया को हमेशा हमेशा के जेल की सलाखों के पीछे खो देंगे। अर्पिता, मुझे वहां से वो फाइल देना। अर्पिता, मैंने फाइल मांगी। क्या बात है अर्पिता, कहां खोई हुई है? देखो अर्पिता, संभालो अपने आप को। इस हालत में इतनी ज्यादा चिंता करना ठीक नहीं है। चलता हूं। नाश्ता लेकर आई हूं, खा ले। ना, मना मत करना, तूने कल से कुछ नहीं खाया। ऐसी हालत में भूखे रहना ठीक नहीं है पुत्र, अपना नहीं तो कम से कम अपने होने वाले बच्चे का तो सोच। मां का खाया ही बच्चे को लगता है, पर तुम लोग ये बात नहीं समझते ना। एक वो निहारिका है, उसने भी कल से कुछ नहीं खाया। तुम लोगों के चलते तो चिंता के मारे मेरी डेथ ही हो जाएगी। अरे किथे जा रही पुत्र? निहारिका दीदी के पास। उन्होंने कल से कुछ नहीं खाया, और अगर वो कुछ खाएंगे नहीं तो उसका असर उनके बच्चे पर पड़ेगा, और उसका दोष भी हमी को लगेगा। तेरा दिल बड़ा साफ है, तभी तो तुझसे निहारिका का दुख देखा नहीं जा रहा। खुद को बेकार में ही दोष दे रही है। उस दोष का दुख, उसका बोझ तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। अंदर ही अंदर तू घुलती जा रही है, खुद को सजा दे रही है, जबकि गलती हमारे नसीब की है। हाय रब्बा, मेरी इस बच्ची पर मेहर करना, उसका ख्याल रखना, उसका ख्याल रखना मेरे रब्बा। तुम जानते हो रुद्र, नहीं जी सकती मैं तुम्हारे बिना। ये अकेलेपन का दर्द बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। क्या करूं रुद्र, कैसे लाऊं तुम्हें वापस? इस कैद खाने में तुम्हारे बिना मर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी। रूल
तकलीफ का तमाशा देखने। नहीं निहारिका दीदी, हम आपको कुछ खिलाने आए हैं। आपने कल से कुछ नहीं खाया, आपके बच्चे के लिए ये ठीक नहीं है। आप भूखी रहेंगी तो उसका असर आपके बच्चे पर पड़ेगा और उसका दोष भी हमी को लगेगा ना। पाप तो तुम्हें जरूर लगेगा, मुझसे मेरे पुत्र को दूर करने का पाप तुम्हें जरूर लगेगा, मुझे तकलीफ देने का पाप तुम्हें जरूर लगेगा। नहीं करना मुझे नाश्ता, चली जाओ यहां से। निहारिका दीदी, अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो अन्न का अपमान हो जाएगा। खाना नहीं करना मुझे नाश्ता। खाना खिलाने आई हो मुझे, नाश्ता कराने आई हो मुझे, जहर क्यों नहीं खिला देती मुझे? हाँ, जहर क्यों नहीं खिला देती मुझे? ऐसे भी चीते जी मार डाला है तुमने मुझे मेरे रुद्र से दूर करके। नाश्ता कराने आई थी। रुद्र भैया वापस आ जाएंगे निहारिका दीदी, जरूर वापस आएगा, आएगा वापस मेरा रुद्र, क्योंकि जेल की उन सलाखों के पीछे मेरे रुद्र को नहीं तो मैं होना चाहिए। हत्यारा मेरा रुद्र नहीं, हत्यारा तुम हो। इंस्पेक्टर साहब, हम अपना जुर्म कबूल करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? अर्पिता रायसादा। कहिए क्या कहना है आपको? आपने जिस जुर्म में रुद्र रायसादा को गिरफ्तार किया है वो जुर्म हमने किया है। वो खून रुद्र रायसादा के हाथों नहीं हुआ था, वो खून हमसे हुआ था।